हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बोले राहुल गांधी, आरएसएस बीजेपी हिंदू धर्म के दलाल हैं। राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं पर आक्रमण का लगाया आरोप, पूछा चीन पर पीएम क्यों चुप हो जाते हैं। संबित पात्रा ने दिया राहुल को जवाब, बोले धर्म की राजनीति में हिंदू धर्म की भावना आहत कर रहे हैं राहुल। महिला कांग्रेस का फैसला, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय महंगाई दिवस के रूप में मनाएंगे। गुजरात में कल दोपहर 1:30 बजे नए मंत्रिमंडल का होगा शपथ ग्रहण, 27 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में सिर्फ नया चेहरा होगा, रूपाणी कैबिनेट के सभी 22 मंत्री बदले जाएंगे। विजय रूपाणी ने कहा, पार्टी के ने आने वाले चुनाव को देखकर किया परिवर्तन। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी। मोबाइल नंबर लेने के लिए KYC डिजिटल होगा। 4G और 5G नेटवर्क की कोर टेक्नोलॉजी भारत में विकसित होगी। कैबिनेट की बैठक में ऑटो सेक्टर के लिए PLI स्कीम को भी दी गई मंजूरी। गाजियाबाद के लोनी में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, कब्र खोदकर जिंदा लेटे किसान। सिद्धू का अकाली दल पर हल्ला बोल, कहा काले कानून के पीछे अकाली दल का आइडिया। सिद्धू ने कहा, मोदी सरकार के पास किसान कानून का आइडिया लेकर गए थे। अकाली दल के नेता दलजीत चीमा का सवाल, सिद्धू को इतनी दिक्कत है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रद्द क्यों नहीं किया गया। राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया, कहा ओवैसी को बीजेपी का पूरा आशीर्वाद है। AIMIM प्रवक्ता असीम वकार का जवाब, कहा बीजेपी के लिए खेल रहे हैं राकेश टिकैत। पंजाब के सीएम ने हरसिमरत कौर बादल पर साधा निशाना, कहा किसानों पर बोलने का उनको नैतिक अधिकार नहीं। लॉन्च हुआ संसद टीवी, पीएम मोदी बोले हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जुड़ा एक नया अध्याय। क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने की बातचीत, 2+2 डायलॉग और विकास पर हुई चर्चा। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में पीएम मोदी का नाम, सीएम ममता बनर्जी और अदार पुनावाला का भी नाम शामिल। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अब्दुल गनी बरादर का भी नाम शामिल। 16 सितंबर को पीएम मोदी दिल्ली में डिफेंस ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्सेस का करेंगे उद्घाटन। 17 सितंबर को SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की 21वीं मीटिंग का होगा आयोजन, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। इंडो US इकोनॉमिक समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया हिस्सा। क्वाड को सीमित एजेंडे का समूह बताने पर चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब, कहा इसका बेहद व्यापक और वास्तविक एजेंडा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में भारत ने जताई नाराजगी, कहा भारत के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा इस प्लेटफॉर्म का करता आया है गलत इस्तेमाल। बैठक में भारत के प्रतिनिधि ने कहा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार का होता है उल्लंघन, इससे ध्यान भटकाना चाहता है पाकिस्तान। UNHRC में भारत की दो टूक, हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दें। NCRB के मुताबिक हर दिन 77 महिलाओं के साथ हो रहा है रेप, राजस्थान में हुए सबसे ज्यादा रेप। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केस की रिपोर्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान देश में अव्वल है लेकिन प्रदेश की निकम्मी सरकार की वजह से। साल 2020 में देश में हर रोज हुए 80 मर्डर, यूपी में हुए सबसे ज्यादा मर्डर। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान चोरी, डकैती, महिलाओं और बच्चों से हिंसा में आई कमी, कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले बढ़े। 6 आतंकियों की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली पुलिस और IBA अधिकारियों ने आतंकियों से शुरू की पूछताछ, मंगलवार को हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक अभी धमाकों की नहीं हुई थी फाइनल प्लानिंग, आतंकियों के आने वाले थे ISI और अंडरवर्ल्ड से आदेश। महाराष्ट्र ATS चीफ विनीत अग्रवाल का बयान, आतंकी जान मोहम्मद का डी कंपनी से पुराना कनेक्शन, जान मोहम्मद ने 9 तारीख को दिल्ली जाने का प्लान बनाया था। मुंबई में आतंकियों के पकड़े जाने को पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया खतरे की घंटी, कहा मामला बेहद गंभीर, ऐसे लोगों को ढूंढना बेहद जरूरी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, घाटी में होने वाले चुनावों में अकेले लड़ेगी बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए 100 प्रभारियों की सूची जारी की, कहा ये अपने क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार होंगे। उत्तर प्रदेश और मणिपुर का चुनाव लड़ेगी JDU, बीजेपी से गठबंधन की कोशिश, बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेगी चुनाव। दिल्ली में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर रोक, प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। मायावती ने ट्वीट कर यूपी में सड़कों की दुर्दशा पर उठाए सवाल, लिखा सड़क पर हुए गड्ढों से हादसों में कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई, हादसों को योगी सरकार की विफलता बताया। 18 सितंबर को गोवा के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, 18+ वाले सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगने पर देंगे बधाई। स्पुतनिक लाइट के तीसरे फेज के ट्रायल के लिए मिली मंजूरी, स्पुतनिक लाइट की लगेगी सिंगल डोज। देश में कोरोना के 27,487 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 281 लोगों की मौत। केरल में 17,681 नए मामले, 24 घंटे में 208 लोगों ने तोड़ा दम। भारतीय दूतावास की मदद से आयरलैंड में पहली बार मनाया गया हिंदी दिवस। CDS जनरल बिपिन रावत का बयान, किसी ने नहीं सोचा था कि तालिबान इतनी जल्दी कब्जा करेगा, आगे कुछ भी हो सकता है।
एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप ने लगाई बोली, एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेच रही है सरकार। आईपीएल फैंस के लिए खुशखबरी, यूएई में स्टेडियम में जाकर अब मैच देख पाएंगे दर्शक। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।